दीदी तो पहली बार आई, कैसा लगे दीदी घर? अच्छा है। खाली तो जाने वाला एक सेट दे दे, मैं तुम्हें बोलता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे। और आज है वेडनेसडे, जो ताई जी की डेथ हुई थी तो उस टाइम पे तो जा नहीं सके थे, और तेर भी अभी टाइम है तो हम बीच में जा रहे हैं, मैं, मम्मी, दोनों दीदी और आशीष, और बच्चे घर पे हैं क्योंकि सचिन भाई साहब घर पे ही हैं, तो बच्चों को तो नहीं लेके जाएंगे, तो आज वहाँ जा रहे हैं। लेकिन वहाँ का कोई व्लॉग शूट नहीं होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं ऐसे व्लॉग वहाँ शूट करूँगी, तो कॉमन सेंस है। लेकिन हाँ, जैसे घर पे आते हैं मम्मी और हम सब, प्रिया दीदी, रेणु दीदी पहली बार हमारे घर पे जाएंगे, तो वहाँ का व्लॉग मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। वहाँ का जिनके घर डेथ हो रखी है वो नहीं दिखाऊँगी बिल्कुल भी, क्योंकि भाई हम शुरू तक बचपन तो उनके साथ देखने लग रहे हैं, तो बिल्कुल भी ऐसे ना हो। मेरे रूहें खड़े हों अभी भी बोलते बोलते कि मतलब यहाँ बैठी थी मैं तो ठीक है, वहाँ जाना है ना, उनके घर पर जाना है, तो अजीब सा फील होने लग रहा है। कब दुख में जाना है, खुशी में जाना बहुत अलग बात हो जाए। तो बस चलते हैं, निकल रहे हैं। 10:30 बजे का टाइम दिया था मम्मी ने कि आ जाना, क्योंकि और भी भाई रिश्तेदारी सब आएंगी, मिलने आएंगी, बहू के मायके से आएंगी, बहुत रिश्तेदारी हो जाती है, तो हमने सोचा जल्दी ही फ्री हो जाएंगे फिर, तो चलते हैं। ठीक है दीदी तो पहली बार आई, कैसा लगे दीदी घर? अच्छा है, पहली बार आए हो ना? क्या की रहा करती बस भाभी ने? पहली बार आए। लड्डू किडनैप हो जाए, उड़े इतनी उड़े ठा लिया। देख देख उड़े खेल लग रहे मम्मी और नू, उड़े खेल लग रहे नू आप तो रहे। मम्मी अपने घर पे नहीं आई, मतलब रेणु दीदी, प्रिया दीदी तो पहली बार हमारे घर आए, तो ताई थोड़ी चाय तो बनती है, सब ताई बनाई है खाली। प्रिया दीदी की जान वो रिश्तेदारी निकल गई, वहाँ जा रही है, अभी किडनैप हो रही है उनके गांव की, मतलब उसकी बुआ लग गया वहाँ पे जा रही है, तो अभी पहले चाय पी लेते हैं, पीछे तो आवाज आती होगी कितने बोल रहे हैं ये चपर चपर, तो पहले चाय सर्व करते हैं उसके बाद बैठ के। हे गाइस, ये देखो कितना मस्त प्रोडक्ट आया, सभी हाउसवाइफ्स और किचन में काम करने वाले, मेल्स के लिए भी जरूरी है कि सिर्फ गर्ल्स या वुमेन से यूज कर सकते हैं, उसके लिए ये है 3 जार पर्सनल ब्लेंडर, तो इसके बारे में मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ। ठीक है, ये तो है मशीन जिसमें हम सारे जार्स यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक है, प्लग इन करो और यूज करो। 3 जार है इसके, अलग अलग एमएल्स अलग अलग क्वांटिटी के लिए, और ये 4 लीफ ब्लेड है और ये 2 लीफ ब्लेड है। ये है, इस पर लिखा हुआ है आप ब्लेंड कर सकते हो जो प्रॉपर स्मूदी वगैरह बनानी होती है उस चीज़ के लिए, और ये ग्राइंड के लिए, जैसे कोई मसाले वगैरह आपको पीसने होते हैं तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत सी लेडीज ऐसी होती है जो बाहर के मसाले नहीं लेती, खड़े मसाले लेके आती हैं खुद और खुद ही घर पर ग्राइंड करती हैं अच्छे से और उसी को यूज़ करते हैं। और ये है लिड, जैसे आपने मसाला पीसा तो आप इसके ऊपर ऐसे करके इसको स्प्रिंकल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और कोई चीज़ आपको स्टोर करके रखनी हो तो वो भी आप इसमें रख सकते हो, ख़राब भी नहीं होगा कुछ भी। और जैसे ये है सिपर टाइप, अगर आप जिम वगैरह जाते हो, मेल जाते हैं जिम और गर्ल्स भी जाती हैं, कोई स्मूदी वगैरह बनानी है आपको, इसमें सिपर लगाओ और ऐसे कैसे चले जाओ, तो कोई दूसरा सिपर भी नहीं लेना पड़ेगा, वही सिपर के साथ आएगा, आके वॉश करो और दोबारा यूज़ करो। और ये है ऐसे, अलग अलग क्वांटिटी है जार की, 500 ml है, 700 ml है, और ये है सबसे छोटा, अगर आपको कम क्वांटिटी में चटनी वगैरह बनानी हो तो इसमें अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। और मैं आपको ये जार के लगा के दिखाती हूँ और कैसे यूज़ करना है वो भी, अगर मुझे बनानी है स्मूदी तो ये जार इसके अंदर ब्लेंड वाला, 4 लीव्स वाला ब्लेंडर का जार। और आपको करना क्या है, पुश करके ऐसे करना है, वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, और जब बंद करना है तो ऐसे करके
वापस निकाल लेना है और वो बंद हो जाएगा। तो तीनों ही जार ऐसे ही करने हैं, जो भी आप यूज करोगे ऐसे ही यूज करना है उसका, अंदर करके और फिर घुमा दो और वापस निकाल दो। तो ये ऐसे ही यूज होंगे और ये दो लिड्स हैं, एक स्प्रिंकलर है और एक कोई चीज़ आपको स्टोर करके रखनी हो वो है, और एक ये जिम के लिए है या कहीं पानी वानी लेके जाना है उसके लिए। तो इजी टू ओपन है, यहाँ से आप ओपन करो और यूज करो। पापा तो ना बता नहीं ना तेने फिर आई बात का मुंडा मेरा ना नहीं बता पापा तो बता पापा चाय भी रख दी कितना बड़ा धक्का चाय का मम्मी भी प्रियंका जी कॉफी तो देखना हां जी पी है नीलम का है अच्छा अरे चले लूंगा आई जा पी ना मम्मी आप शर्माओ क्यों हो आप तो छोटे हैं पापा और के गले लग गए अरे वो खुल के बोले इतने साल हो गए थोड़ा ए तू चल रहा है मैं नुका तो और क्या बोले लाकू मैं चार चार भाई हो गए क्या तू नंगे से सारे की हो गए नुका चार भाई हो गए की के गले लाकू पापा ने तो यहीं पर सीट मिल गई मम्मी तो इसी तरह शर्मा पे ना कि अपने ससुराल मारी हो अरे तेरे मम्मी तो बाल का की तेरा पुचकार कर ले बाल की तेरी यार बहुत था ये तो बहुत बदल गया और सब क्यों बदल गया पहला तो गुंगट ना काट लेते आप पशु पढ़ने पड़ो के ये मम्मी थोड़े दिन हम गली में चुन्नी करे आने की देखियो हैं अच्छा है वो सिर्फ पानी में निकर में लेने जाओ अपनी बहुत सारी कर बस पानी में निकर में लेने जाओ मन खाए मन कच्चे खाते मन सुन मेरी गलत लगी तो मम्मी तुम्हें कच्चे खाते तुम्हें शीशा के बन भी होगी लेकिन लगी चा मैं दिखियो छोड़ देना तो पानी भी निकर वाला हो जी हां लौट में शीशा अपनी बहुत बीत ना भी ना बदला है हमारे पोते पोते का फोटो बना ले दे तो थारा आगे देखूंगी मां का है हमारा वो है थारा आप इसी बोलते हैं अरे हमारा भी ना है ये खाली दे वो ये तो कुकर तो बार का पोत जब आऊंगी इसी मैं छोरे की हां इनके छोरे की आओ मुझे करा ली है ना मार तो बेटी शर्मा भी पे आ रही है नमस्ते अरे बस 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 ठीक है तू आप बताओ बिल्कुल बढ़िया आगे हेलो रुक जाओ मैं तो बोल रहा है
बाय बाय बैठ जाओ नीचे दिखता को नहीं बनाया उधर मामा से बाय कर देख कैसे देख क्या लड्डू बाय डुगू आ जा ओके बाय गाइस किस जाना है किस जाओगे कलकत्ता श्रीनगर भी कह दिया मैं बुला ले अपने ससुरे ने बोला मैं नाती सारे जी सारा कुंड बजी है गर्मी थी हम तो यहाँ स्वेटर पहले वीडियो कॉल करा करते टी शर्ट पहनती हूँ गर्मी है समुद्र के नजदीक भी पायलट से मैंने ले जाएंगे उड़ता रहेंगे इतने जाकर बिजनेस क्लास में जाओगी घूमे बिजनेस क्लास में दो चार स्कर्ट लिया सब लंबी वाली पहन लो छोटी मत पहनियो मुश्किल हो जाएगी और सारी पड़ेगी ना जो पाछा मन बॉर्डर ला मत किसी बाल छोड़िए एकदम तो मर दिया तला पाओ मेरी माँ गया और छोरी थी उसकी भाण ला के कुंडे में वह सुथरी गणी थी मेरी सासू की थी वह तेन प्यार करे थी फसोती प्यार करे थी अच्छा उन्हें धोते देखा उनको मुंह कर लगे उछल कर तो एंटी वो था पालना कर दी वह एक बात रोई और मेरी सासू की थी बेटी की तो फूफस ला गया इनकी सासू की बेटी मेरी सासू की तो इतने एक शादी उनके बाद हुई थी कोई भाई बुआ देखिए बुआ पहले हुई थी पहले हुई थी अपने पियर लेगी थी पियर लेगी लाडा में कोबाल खिलाता होगा राजा लाडा में खिलाने लग गया और वादा दी खेत में मेरी सासू अपने घर मजदूरा का पानी प्याने जा रही थी आई और उस दिन ठाक है इसी शहरी हुआ थोड़ी लपेट कर और उल्टी होकर मार उल्टी पाल के मार कर गिर पाल दे मैं कौन मुसी
अगैन बुद्धि राटा का पत्थर हो यार तेरे क्या है तू खेत में मर रही ना प्यागे घनी हल की लोटरी उठिए ना आता यार जात देखो तो न्यू हो रही ना मलिया तो ना उठती मसी मसी की मां ना मेरी बुद्धि दूसरा क्या करवा बोले यो के वकी ने नाड़ तोड़ ली बोले मेरा ना मन तो नवा का सवाई थी मन ने के ब्रा कुन नाड़ तोड़ ली वाई वत्रे ताऊ की कक्का छोड़ी वा कर की यो चीन ची करने लग रहा है वा गई फिर बाकी अगर पछोरे चल सॉरी ने मारे तू तो मैं बोली इंदा की मंडरी ता ली मन ने ना मारी मैं प्यार करूं थी और मरे जो नहीं करे वो तोला पड़ गई पड़क मैंने सोची अगर मुंह कहूंगी तो मारेगी मैंने लपेट कर टोकरे थे टोकरा पड़ गया आवाज नहीं कर होगी ना वो टोकरा पड़ गया इतनी सुथरी थी कुत्ती सुचि ने देख भी सर एवा दादा को तीनों बढ़ दे मेरी सास ने जा मेरी छोरी ले मेरी छोरी मार दी अपने पीर रही है मत आया था की लोड है मेरी श्री की सासू की सासू आज जाए रही ना जाए का मार दी बेईमान ना मेरी बेटी इसी दिन पत्थर मत फोड़ के काट देती है छोरी के थी सारी बताओ फिर दादी ना कितनी सुधरी थी दादी की फोटो देखी कभी पुरानी फिल्म की हीरोइना जिसे जो तो नौ दिखाई थे तुम हाँ 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 ब्लैक कोठी ना जावे फिर जावे ना ले आई ससु ना ले आया चल नहीं वे मम्मी चल ले चल जी लग गया मम्मी का जानने जी ना करता उसी करके तुषार की बहुत है मुंह दिखाई तो दोगे फिर दे दूंगी ठीक क्या करवा तू प्रभु का मुंह तो दिखा मुंह दिखा कितने दिन बता जब एक ही गीत क्या है जब मुंह दिखाई डालोगे जब दियो इतना सेट बनवा ले फोटो भेज दूंगा मैं फोन से बनवाना कद करवाओ बता दिए बने ये बता दिए मुझे तैयारी होगी मैं अपनी बॉस मान तीन साल में करने पैकिंग तीन साल में करा लेगा मैं मम्मी तो कहूँ मैं तुषार के ब्याह में चाली हूँ मेरी गल लगा उनका गीत बाटल में और बोलती हूँ कहा इतने दिन पहले लेके जाएगी तू उन्हें आपका जान में जी भी ना करा उल्टा आपने करा अच्छा और चलो ठीक है बाय मम्मी समीर पे करना हो ना मैं तो जबरदस्ती भेजे है ब्याह में भी ब्याह में भी जबरदस्ती भेजे मक जान देगी पीपी सब ताक हो रही है मम्मी भाजन हिला दी जो कर गई है कोने में बस तो गल ना कदे नहीं फिर जी ना फिर जी ना मां मर गई बाबू मर गया मां बाबू होने फर्क रहता है चलो ओके ओके टाटा बाय बाय चलो ठीक है और मैं सोचू मैं पाए करूं चलो आग आग चलो ना मचारी गल चल चप्पल चल पड़े लड्डू लड्डू कदे गिर जाओ धीरे धीरे उतरना गोलू कैसा हुआ हिंदी का पेपर बेटा हिंदी का इंग्लिश में करके आई है चॉइस नहीं है हिंदी का तो हिंदी में करना बता रही पापा मैं ईमेल लिखने के लिए आ रखा था तो मैं पहले इंग्लिश में सोच रही फिर उसको हिंदी में करके लिख रही थी अब वो एज को लिखना था वो एज भूल के क्या होता है क्लाइंट को भूल के क्या होता है मैं पूछ रही हूँ क्लाइंट का बता दो क्या होता है अच्छा हो गया पेपर 7 मिनट पहले हो गया था वो तो रिजल्ट में पता चलेगा क्या होगा चलो 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 ठीक है गोलू बाय 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 डुगू
चलो बाय बाय कर दे मामा को, बाय बाय बाय, मैं अपने घर जा रहा हूँ, बाय। सो गाइज घर पे आ गए थे हम और आते ही थोड़ा सो गए थे क्योंकि मतलब थकान तो वैसे ना, पर नींदें आ गई थी। तो आज जैसे कि आप सबको पता है लड्डू 8 मंथ्स का हो गया है, मतलब शुरू से मनाने लग रहे हैं कि 1 मंथ मना लिया, 2 मंथ मना लिया। तो मैं सोच रही हूँ कि फर्स्ट बर्थडे तक ये चीज़ कंटिन्यू रखे, बीच में ना छोड़े। तो आशीष छोटा सा केक ले आए हैं क्योंकि थोड़े दिन पहले अभी खाया था केक और अभी भी ले आए हैं, थोड़ा सा केक कट कर लेंगे और बन जाएगा ऐसे। तो चलते हैं नीचे। हैप्पी 8 मंथ्स लड्डू, आज लड्डू हो गया है 8 मंथ्स का, तो आज इसका हम 8 मंथ्स वाला बर्थडे मनाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे लड्डू, ये नव्या कहते हैं जय पापा की, जय पापा की। ले इतना मत खाओ, दो घना खवा दिया, खा दिया मत खवाओ, लड्डू क्या हो गया लड्डू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। मत खा, खिला लड्डू, खा ले, ना खा भाई, मुंह बूट, ना खा ले, सच्ची इसको भी तो दूँ।